दोस्तों, अंकित टेक एंड ब्लॉग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ देखिए नीचे बेल आइकन है उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो पहुंचे आप तक सबसे पहले। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑल्टो 800 जो है वो इंडिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। जी हाँ दोस्तों, वो एक महीने में लगभग 14,000 यूनिट सेल हो जाती है ऑल्टो 800 की, मारुति सेल कर लेती है। और दोस्तों, मारुति भी कभी नहीं चाहेगी कि इस कार को डिसकंटिन्यू करें क्योंकि काफ़ी प्रॉफिट मारुति ने इस कार से कमाया है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिसको भी अपनी फर्स्ट कार लेनी रहती है तो सबसे पहली जो प्रीफ्रेंस आती है उनके दिमाग में वो रहती है कि क्यों नहीं हम ऑल्टो 800 ले लें। लेकिन दोस्तों, ये सबसे बैड न्यूज़ है एक तो कि ऑल्टो 800 जो है वो डिसकंटिन्यू होने जा रही है 2019 क्वार्टर थ्री से। जी हाँ दोस्तों, ये आप इसको काफ़ी अलग अलग वेबसाइट से पढ़ सकते हैं और ये मतलब सोर्सेस की तरफ से लीक होके आया है कि जो मारुति 800 है या ऑल्टो 800 जो है वो बंद होने जा रही है 2019 में। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है इसके बंद होने का वो है कि BS6 नॉर्म। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च 31, 2020 से BS4 सभी गाड़ियां बिकनी बंद हो जाएंगी और BS6 ही केवल बस बिकेंगी अप्रैल 1, 2020 से। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंडीशन है BS6 की वो है दोस्तों कि इसका आपको इंजन में और रिफाइनमेंट मिलेगा जो कि आपका ये ऑल्टो 800 नहीं फुलफिल कर पा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये मारुति का कहना है क्योंकि इनको फिर से एक नए प्लेटफॉर्म पे इसको डेवलप करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों नया टाइप का इंजन इसमें इनको लगाना पड़ेगा जिस कारण से इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, साथ ही साथ इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो इसी वजह से ये कार डिसकंटिन्यू होने जा रही है। और दोस्तों, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो है दोस्तों की जो क्लास ए सेगमेंट की गाड़ियां यानी जो छोटी गाड़ियां हैं तो दोस्तों वो आपकी 3.6 मीटर से कमी रहनी चाहिए, मतलब 800 सीसी की जितनी भी गाड़ियां हैं दोस्तों वो सभी के सभी 3.6 मीटर से कम रहनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये BS6 की वजह से अगर ये अपनी कार को मान लीजिए अगर इंजन उसमें और इंक्रीज करते हैं, मान लीजिए K10 सीरीज का अगर इंजन लगा देते हैं यानी 1000 सीसी का, तो इनको इस कार को दोबारा से फिर रीडेवलप करना पड़ेगा छोटे प्लेटफॉर्म से। जी हाँ दोस्तों, मतलब फिर से एक न्यू बिगनिंग देनी पड़ेगी जिसके कारण से इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसी के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें बढ़ जाएंगी जिस कारण से मारुति इसको काफ़ी बेहतर समझ रही है कि डिसकंटिन्यू करना। और उसी के साथ साथ अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों, ये अपने जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है उनको ये फुलफिल नहीं कर पा रही है क्योंकि दोस्तों सरकार की तरफ से ये निर्देश दिया गया था कि 2019 में ही आपका सभी गाड़ियों में 2 एयरबैग ABS और EBD मैंडेटरी होना चाहिए जो कि इस कार में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप ऑप्शनल वेरियंट लेते हैं या उसका L हो या V हो तो इसमें आपको अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तभी इसमें आपको मिलेगा एयरबैग, नहीं तो नहीं मिलेगा। और इसमें ABS और EBD का तो नामो निशान ही नहीं है कहीं कहीं दूर दूर तक। तो इसी का वजह से दोस्तों ये कार बंद होने जा रही है। तो दोस्तों, यही थे कुछ 3 पॉइंट। जो सबसे पहला पॉइंट था वो BS6 नॉर्म्स कि ये अपनी BS6 नॉर्म को फुलफिल नहीं कर पा रही है। दूसरा दोस्तों कि इस कार को दोबारा से फिर रीडेवलप करना। और फिर दोस्तों, जो तीसरा पॉइंट था, सबसे बड़ा जो मेजर पॉइंट है वो इसका सेफ्टी स्टैंडर्ड को फुलफिलमेंट ना कर पाना। जी हाँ दोस्तों, तो अगर ये वीडियो अगर आपको अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को आप व्हाट्सएप पे फेसबुक पे जगह जगह शेयर कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑल्टो 800 खरीदने वाले ही यूज़र आपको मिल जाएंगे इस पूरे इंडिया में। और दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।